بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير पाक है वो अल्लाह ताला जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने देखने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیو اور دینی بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ جس قسم کے اور جس طرح کے معجزات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں اتنے عظیم اور عجیب و غریب معجزات کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات آپ سے پہلے انبیاء کو دیا ان سے کہیں بھی اہم معجزات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا وہ دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں اگرچہ دونوں معجزے ایک ہی قسم کے ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا اس میں اعجازی کیفیت اور بہت زیادہ تھی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ انہوں نے جب پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا اور اپنی چھڑی ماری تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابل میں یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ایک بار نہیں بلکہ ایک سے زائد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی پوروں اور بیچ کی جگہ سے
पानी जारी हो गया। और ज़रा ये गौर करें, इस नाहिये से ये अजीब सी चीज़ है कि पत्थरों से, पहाड़ों से पानी के चश्मे फूटते देखे गए हैं, लेकिन किसी के हाथों से और किसी की उंगली से पानी निकलता हुआ नहीं देखा गया। इसीलिए इमाम शाफई रहमहुल्ला और इमाम इज़ बिन अब्दुस्सलाम रहमहुल्ला फरमाते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुअज्जा जो था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुअज्जा के मुकाबले में और भी एजाजी कैफियत और एजाजी हैसियत रखता था। इसीलिए ज़रा देखें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मुअज्जा दिया था कि महीने भर की मसाफत वो चंद घंटों या चंद मिनट के अंदर, सुबह शाम के अंदर वो तय कर लिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मुअज्जा दिया कि पूरी रात में नहीं बल्कि रात के एक हिस्से में 40 दिन का सफ़र, जो मक्का मुकर्रमा और बैतुल मुकद्दस के दरमियान उस वक्त माना जाता था, आपने रात के एक हिस्से में तय किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सातों आसमान की सैर करके दोबारा रात के एक ही हिस्से में आप मक्का मुकर्रमा दोबारा वापस आ गए। तो ये मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ा के मुकाबले में और अजीब व गरीब बल्कि एजाजी हैसियत रखता है। इसी तरीके से ज़रा गौर करें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजज़ा अता फरमाया था कि वो नाबीना को बीना कर दिया करते थे, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये किसी नबी की अपनी ताकत नहीं हुआ करती है, इल्ला कि अल्लाह तबारक व तआला ये कुव्वत उनके अंदर वक्ती तौर पर वदियत फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह का एक मौजज़ा बल्कि इससे बड़ी एजादी हैसियत रखने वाला मौजज़ा आपको अता फरमाया कि जब ग़ज़वे उहद के मौके पर हज़रत अबू क़तादा रदियल्लाहु ताला अन्हो की आँख अपनी जगह से निकल करके बाहर आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक पर रख करके उस आँख को दोबारा उसी जगह रख दिया, और उनकी वो आँख आखिरी उम्र तक दूसरी आँख के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा रोशनी वाली थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस आँख को जो अपनी जगह पर मौजूद है उसको बीना कर दिया करते थे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आँख को जो अपनी जगह छोड़ चुकी है और अपनी जगह से हट गई है, मिनट भी नहीं लगे बल्कि चंद सेकंडों के अंदर उसको उस तरीके से बना दिया कि पहली आँख के मुकाबले में, दूसरी आँख के मुकाबले में बल्कि अपनी पहली हैसियत के मुकाबले में उसकी हैसियत और ज़्यादा बढ़ गई। अर्ज करने का मकसद, अगर ये मौजू आपके सामने रखने लगूँ मैं तो आपको इससे दिलचस्पी भी होगी, आपको ये बातें अच्छी भी लगेगी। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल हमारे दिल को भाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें और हम में से सब मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी है, लेकिन हमारा असल मौजू ये नहीं है, हमारा असल मौजू ये नहीं है। इस मौजू को मैं यहीं पर रख करके मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ कि इसरा और मेराज का जो एक मौजज़ा था वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अता किया गया था, और ये ऐसा मौजज़ा था जो दूसरे अंबिया के मौजज़ा के मुकाबले में बड़ी एजादी हैसियत रखा करता था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने मौजज़ा दिया इसरा और मेराज का। इसरा और मेराज क्या चीज़ है, इससे हम लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, और मैं इस मौजू को आपके सामने नहीं रखना चाहता। इसरा और मेराज, इसरा के माने होता है रात को सफ़र करना, रात को चलना, रात के दिन, रात के वक्त में इंसान जो सफ़र करता है उसे अरब में इसरा कहा जाता है। और मेराज के माना क्या होता है शेख मेराज रब्बानी? मेराज के माना क्या होता है? मेराज के माने सीढ़ी के होता है। मेराज के माने सीढ़ी, मेराज उरूज, चढ़ने, ऊपर चढ़ने का आला। तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मईयत में जब आसमान की सैर कराई थी तो ज़मीन से आप उसी मेराज के जरिए आसमान पर तशरीफ ले गए थे, इसलिए इसे इसरा और मेराज कहा जाता है। कि चंद लफ्ज़ों में मुख्तसर कैफियत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे
10 नबवी के बाद किसी रात को जिब्रील अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, आपको उम्मे हानी के घर से बेदार किया, बैतुल्ला शरीफ लाकर जमजम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने मुबारक को चाक किया, बल्कि आप सीने पेट को यहां से लेकर के नाफ के नीचे तक बिल्कुल चाक किया, आपके दिल को निकाला, सोने की तश्तरी में रख करके जमजम के पानी से धुला और हिकमत से भर करके उसे बंद कर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार, आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की सैर कराई गई और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिरी के लिए आपको ले जाया गया। पहले आसमान पर वहां के फरिश्तों ने आपको मरहबा और लब्बैक और खुशामदेद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होती है, दूसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से होती है, तीसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हज़रत हजरत इसहाक से आपकी मुलाकात 5वें आसमान पर हुई है, अटकल 55 है, नहीं इसहाक से मुलाकात हुई ही नहीं है, हजरत हारून से मुलाकात आपकी कहां हुई है 5वें आसमान पर, तीसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लेकर राजी है कि हजरत इदरीस से मुलाकात हुई थी आपकी, बाद रवायात में हजरत इदरीस का तीसरे पर है, हजरत यूसुफ का चौथे पर है, और बाद रवायात में इन दोनों का बरक्स है, रावी कहते हैं किसमें इख्तलाफ है। अर्ज करने का मकसद के तीसरे और चौथे पर आपकी मुलाकात हजरत इदरीस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई अलैहिस्सलाम, और चौथे 5वें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, और छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, 7वें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई, उसके बाद आपको सिदरतुल मुंतहा बल्कि उससे भी ऊपर हजरत बारी तआला के सामने आपसे मुलाकात के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया, और खुद बाद रवायात के मुताबिक बारी तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना करीब हुआ कि काबा कौसैन औ अदना, 2 नेज़े बल्कि उससे भी कम, 2 कौस बल्कि उससे भी कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए। अर्ज करने का मकसद यह है कि ऐसी चीज है जो आप लोग बार बार किताबों में पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं, और आसानी से दूसरी किताबों की तरफ रुजू करके आप इन बातों को आसानी से मालूम कर सकते हैं, और बेहतरीन चीज इस सिलसिले में शेख सफीउर रहमान ने अपनी किताब रहीकुल मख्तूम के अंदर जिक्र की है। लेकिन मुझे जो बात आपके सामने रखनी है वो इससे और है। असल मकसद ये है हमारे रखने का कि देखिए ये महीना हमारे और आपके यहां रजब का महीना माना जाता है, और अमूमी तौर पर इस महीने के अंदर लोग ये एतकाद रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज इसी महीने में हुई थी। वो कौन सी तारीख मानी जाती है? 27वीं रजब। नहीं बोलिए, जरूर बोलिए, हाँ लेकिन कोशिश करके बोलिए, सच बोलिए। 27वीं रजब यानी 26वीं तारीख के बाद जो रात आती है, ये कहा जाता है कि इस रात को आपको मेराज कराई गई, लेकिन जबकि ये बात कोई ज्यादा वजन नहीं रखती, बल्कि 2 सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रवायत सही सनद के साथ इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल बिदाया व नहाया के अंदर नकल की है। इन दोनों का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को है। 12 रबीउल अव्वल ही को आपको नबूवत मिली है, 12 रबीउल अव्वल ही को आपको मेराज और इसरा कराई गई है, और 12 ही रबीउल अव्वल को आपने हिजरत की है। अर्ज करने का मकसद यह है कि मेराज किस रात को हुई या किस तारीख को हुई, इस सिलसिले में उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन हमारे और आपके यहां अमूमी तौर पर यही जाना जाता है कि 27वीं तारीख ही रजब की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात है। और हमारे बहुत से भाई जिहालत की बुनियाद पर इस बिदात के अंदर पड़ जाते हैं कि उस रात को जागते हैं और उसके बाद 27वें दिन को रोदा रखते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना ही किसी सहाबी से ना ही किसी ताबेई से उस रात को जागना और उसके दिन रोजा रखना साबित है, ऐसी कोई दलील पाई नहीं जाती। इसलिए यह चीज एक बिदात है, और इस बिदात का नतीजा क्या निकला कि इसरा और मेराज से हमें और आपको जो सबक लेना चाहिए, जो दर्स लेना चाहिए,
वो चीज हम और आप खो बैठे हैं, वो चीज हम और आप भूल गए हैं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा जो और मेराज जो कराई गई उसका एक बड़ा अहम मकसद था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना। और मैं उस तफसीर तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मुख्तसर तौर पर यह देख लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े गमगुसार चचा, सबसे बड़े मुईन मददगार हजरत अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था, और उन्हीं के चंद ही दिनों या तीन महीने के बाद आपकी इस एक रुबो सदी की साथी, 25 साल की साथी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब जाहिर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए, वो कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए और कुफार से आप को के ऊपर जुल्म को रोकने के लिए वो सामने और आगे बढ़ती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान थे, और इसी परेशानी के आलम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया ताइफ का, और ताइफ में आपके साथ क्या मामला पेश आया आप तमाम लोग उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में बड़ी उलझन और परेशानी में रहा करते थे, इसलिए कि जाहिरी तौर पर अब आपकी मदद के लिए कोई ऐसी जात मौजूद नहीं थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए, आपको थोड़ा सा इत्मीनान दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज कराई और यह साबित किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मक्का के लोग आपको मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं तो आप इससे परेशान ना हो, आप इससे परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक आपका मकाम तो यह है कि अल्लाह ताला आपको रात के एक हिस्से में यहां से ले जा करके बैतुल मुकद्दस, जो आपसे पहले तमाम अंबिया की जाए नमाज थी, अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे रहा है बल्कि आप 1,24,000 अंबिया की इमामत भी फरमा रहे हैं। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मक्का के लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो आप इससे परेशान ना हो, अगर वो आपके सामने कांटे बिछाते हैं तो आप इससे परेशान ना हो, ये लोग क्या हैसियत रखते हैं इससे आप परेशान ना होइए, बल्कि ये देखिए कि सातों आसमान के मुकर्रब फरिश्ते और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे आपके लिए खुश आमदेद और अहलन व सहलन व मरहबा कर रहे हैं, इसलिए आप इससे परेशान ना हो। अगर मक्के के लोग आपके सामने अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं और आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप इससे परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जात तो यह है कि आपसे जमीन पर रह करके गुफ्तगू नहीं फरमाता, बल्कि आपको सातवें आसमान और बल्कि उससे भी ऊपर बुला करके आपसे हम कलाम हुआ और आपको मुतअद्दी चीजों से नवाजा है। तो असल मकसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना था इस बात पर कि आप कुफार की मुखालफत, उनके जुल्म, उनकी परेशानी, उनकी ज्यादती से आप परेशान ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज कराई गई उसके अंदर बहुत सी हिकमतें और बहुत सी इबरतें पोशीदा हैं, वही ऐसी चीज है जो हमारे और आपके फायदे की है, हमारे और आपके फायदे की है, और यही एक ऐसी चीज है जिसे उमूमी तौर पर हमारे दोस्तों, हमारे साथियों और हमारे भाइयों ने भुला दिया है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज में मुसलमानों को चंद बशारतें मिली हैं और चंद चीजों से डराया और धमकाया गया है। बशारतों का मामला यह है कि इंसान उस पर अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसे सवाब से, नेकियों से और जन्नत से नवाजेगा, और धमकियों का मामला यह है कि अगर इंसान उससे बचता नहीं, उसके ऊपर अमल करता है तो वो इंसान अल्लाह ताला के आदाब का मुस्तहिक होगा। वो बशारतें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें और आपको दी गई, उसमें सबसे पहली बशारत तो यह है कि हम जिस नबी के ऊपर ईमान ले आते हैं, हम जिस नबी की उम्मती हैं, हम जिस नबी को अपना उसवा और अपना कुदवा और अपना पेशवा मानते हैं, वो नबी तमाम अंबिया के मुकाबले में सबसे अफजल और सबसे बेहतर है। लिहाजा हम जो उम्मत हैं वो ऐसी उम्मत है कि दूसरी तमाम उम्मतों के मुकाबले में सबसे अफजल और सबसे बेहतर है। वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अला अन्नास वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, इसी तरीके से हमने आपको एक बेहतरीन उम्मत बनाई है, हमने आपको एक बेहतरीन उम्मत बनाई है। इसलिए दोस्तों यह चीज काबिले गौर है और यहां थोड़ा सा ठहरने का है कि हम बेहतरीन उम्मत हैं, दिन कयामत में
حضرت نوح علیہ الصلات والسلام بھی ہم سے اور آپ سے گواہی اور شہادت طلب کریں گے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا, ان کی قوم کہے گی, اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس میرا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, تو ان کی قوم کہے گی کہ نہیں, میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. نوح علیہ الصلات والسلام کو بلایا جائے گا کہ اے نوح کیا کہتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے, اے اللہ تبارک و تعالی, ایک دن نہیں, دو دن نہیں, ایک سال نہیں, دو سال نہیں, ایک ہزار بلکہ 50 کم 1000 سال میں انہیں تیرے طرف, تیری طرف اور تیری توحید طرف بلاتا رہا. لیکن ان کی قوم کیا کہے گی؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, انہوں نے ہم تک آپ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا, اے نوح, کوئی تمہارا گواہ بھی ہے؟ تمہاری گواہی بھی کوئی دے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا بیان فرمائیں گے؟ ہاں, وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ گواہ دیں گے, اور ہم میں سے جو لوگ نیک اور صالح ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گواہی کے طور پر پیش بھی ہوں گے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا, ہم ان عمل کے اوپر جمے رہے, ہم ایسا عمل کرتے رہے جس کی بنیاد پر ہم گواہ کے لائق بنے, یا خود ہمارے عمل, خود ہمارے کردار, خود ہمارے اعمال, بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہ نہ بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی, بلکہ بالکل واضح طور پر کھول کر کے بیان کر دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل فرماتے ہیں, ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ. جو لوگ گالی گلوچ بکتے ہیں, جو لوگ لان تان کرتے ہیں, جو لوگ اپنی زبان کو برائیوں سے پاک نہیں رکھتے, وہ دن قیامت کے دن نہ تو شہادت کے لائق بنیں گے, نہ گواہی دیں گے, اور نہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں دوستو اور مسلمانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو فضیلت دی گئی ہے ہم اس کے حقدار بنیں, ذرا ایک دنیاوی لحاظ سے آپ سوچئے, ایک باپ نیک ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے, اگر اس کی کوئی اولاد بری نکل جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بدبخت اپنے باپ کا منہ کیوں کالا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا. یعنی کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ کم سے کم باپ کی عزت کو تو باقی رکھو, یعنی باپ جیسا عمل تو کرو, باپ جیسا عمل تو کرو. تو ہم اے دوستو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں اور ہمارا اور آپ کا ایمان اسراء اور معراج پر ہے اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ سمجھتے ہیں, تو کم سے کم ہم دن قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا تو نہ کریں, اور آپ تو رسوا نہیں ہوگے لیکن ہم خود رسوا ہو کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی راہ پکڑ لیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بہترین امت ہیں, لیکن معراج سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم ایسا عمل کریں, ہم ایسا نیک کام کریں جس کے ذریعے سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت میں ہماری سفارش کریں, اور ہم اس سفارش کے ذریعے اس لائق بن سکیں کہ دوسری امتوں اور دوسری قوموں کی شفاعت کریں. اس لیے کہ قیامت کے دن یہ امت جو ہوگی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے گواہی دے گی, حضرت ہود اور صالح بلکہ تمام انبیاء کے لیے یہ امت گواہ بنے گی. لیکن گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ نیک عمل کیا جائے. اس دنیا میں بھی جو بے نمازی ہے اس کی گواہی نہیں قبول کی جاتی, جو داڑھی مڑاتا ہے شریعت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے, جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی گواہی قبول نہیں ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ورنہ کسی قاضی سے جا کر پوچھ لیں, یہاں پر کسی قاضی سے جا کر کے پوچھ لیں. تو جب اس دنیا کے اندر گواہی قبول نہیں کی جا رہی ہے, تو اگر ہم نیک نہ بنے, نمازی نہ بنے, اللہ کے رسول کی صورت اور سیرت کو نہ اپنایا, تو ہم آخرت میں ہم کیسے گواہ بنیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بارے میں جھوٹے ہیں, ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے سچے پیروکار ہیں. بات دوسری آگے چلتے ہیں.
दूसरा बड़ा अहम सबक जो हमें और आपको मिलता है वो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारी तआला के इतने करीब हो गए कि दो कमान या उससे भी कुछ कम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की है ना, कितनी नमाज 50 वक्त की नमाज। और बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और जाते आते जाते कितनी रह गई, 5 रह गई है ना, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने ना। तो इससे नमाज की अहमियत का अंदाजा होता है कि नहीं होता है, होता है ना, कि दूसरे फराइज जो हैं वो तो जमीन के ऊपर फर्द किए गए हैं लेकिन नमाज एक ऐसा अहम फरीजा है जो कहां पर फर्द हुआ है, 7वें आसमान पर फर्द हुआ है। इसका मतलब यह है कि नमाज बड़ी अहमियत रखती है, नमाज के अंदर कोताही करना इसका मतलब यह है कि सही तौर पर इसरा और मेराज पर हमारा और आपका ईमान और यकीन नहीं है। तो दूसरा जो हमें और आपको सबक मिलता है वो यह सबक मिलता है कि हम और आप नमाज का एहतमाम करें और उसे वक्त पर पढ़ें। इससे मुतालिक चंद बातें और आपके सामने बाद में रखूंगा मैं। तीसरी खुशखबरी जो हमें और आपको है, तबरानी और मुस्नद बज्जार वगैरह में हजरत अबू उमामा, हजरत अनस इब्ने मालिक, हजरत अबू हुरैरा, इन लोगों की रवायत से है और हाफिज़ इब्ने हजर फतहुल बारी में उसे नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे, बाद रवायात के अंदर है कि पहले आसमान पर थे और बाद रवायात में है कि इसरा में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा खेती काट रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को ऐसे लोगों में बनाए। वो लोग खेती काट रहे हैं, एक तरफ खेती काटते हैं और फिर दोबारा जैसे काटा वैसे तैयार हो जाती है खेती। एक खेती काटी, गेहूं है, जौ है, या हमारे बंगाली भाई हैं चावल है या कुछ भी है, कोई भी खेती है काटी। सहाबे इकराम एक बार अल्लाह के रसूल खिदमत में बैठे हुए थे, आप जन्नत का बयान कर रहे थे, आप जन्नत का बयान कर रहे थे, तो एक सहाबी ने कहा अय अल्लाह के रसूल क्या वहां पर खेती भी होगी, आप क्या वहां पर खेती भी होगी? तो आपने फरमाया कि वहां जो कुछ इंसान की ख्वाहिश होगी, जो कुछ इंसान का दिल कहेगा वो चीज वहां पर मिल जाएगी। कहा लेकिन वहां की जो खेती होगी चंद मिनटों और सेकंडों में बोई जाएगी, उगेगी और तैयार हो जाएगी। तो एक बादिया के इलाके के रहने वाला सहाबी था, उसने कहा अय अल्लाह के रसूल इसका मतलब यह सवाल करने वाला या तो कोई कुरैशी होगा या तो कोई अंसारी होगा, क्यों? इसलिए बादिया के लोग तो खेती करते नहीं हैं, अंसार थे वो खेती किया करते थे। कहा वो खेती करने वाले, हम कहें वो खेती करने वाले हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग होंगे जो खेती करते, जो अल्लाह सवाल वहां करेंगे। तो अर्ज करने का मकसद कि मेराज की शब आपको ये चीज भी दिखाई गई कि कुछ लोग नेक ऐसे हैं कि खेती काटते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी खेती फिर उतनी ही बराबर तैयार हो जाया करती है। आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल किया कि ए जिब्राइल ये कौन से लोग हैं? हजरत जिब्रील ने फरमाया ये आपके उम्मत के मुजाहिदीन हैं, ये आपके उम्मत के मुजाहिदीन हैं, जिहाद करने वाले लोग हैं जिनके अमल अल्लाह तबारक व ताला ने मुस्तकिल और बराबर जारी रखा है। इससे हमें और आपको क्या सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते में जिहाद बड़ी अहम चीज है, बड़े सवाब का काम है, और आलमे बरजक के अंदर भी जन्नत में तो जो हमें और आपको मकाम मिलने वाला है मिलेगा ही उनको जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हैं। बुखारी शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की रवायत है कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए, नमाज पढ़े, रोजा रखे, तो वो जन्नत में जाएगा, चाहे अपने घर में बैठा रह करके मरे या मैदान जिहाद में जाकर के मरे। तो एक सहाबी ने कहा अय अल्लाह के रसूल क्या लोगों तक ये खुशखबरी मैं ना पहुंचा दूं? आपने फरमाया लेकिन एक बात और है, उसे भी सुन लो। बाद रवायात पर चलता है कि वो सवाल करने वाले एक जवान सहाबी हजरत मुआज़ इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, आपने फरमाया एक बात और है उसको भी सुन लो, इन फिल जन्नति मियत दरजा अअद्दह अल्लाह लिल मुजाहिदीन फी सबीली, जन्नत के 100 दर्जे ऐसे हैं जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार कर रखा है, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे, एक महल से एक
منزلے سے دوسرے منزلے کے بیچ کا جو فاصلہ ہے کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے بیچ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بڑا اہم کام ہے. اس لیے اس کا جذبہ اور اس کے لیے تیاری ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اور جب سے مسلمانوں نے جہاد کے بارے میں کوتاہی کری ہے اس وقت سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ذلت اور خواری مسلط کر دی ہے. میں جہاد کی بات آپ کے سامنے نہیں چھیڑنا چاہتا, البتہ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان سے بھی جہاد کرتا ہے, اپنے زبان سے بھی جہاد کرتا ہے, اور اپنے مال سے بھی جہاد کرتا ہے. تو کم سے کم ان تینوں میں سے ہم اور آپ کسی کے اندر تو شریک ہو جائیں کہ اپنی زبان سے جہاد کریں, اپنے جان سے جہاد کریں, یا اپنے مال سے جہاد کریں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری خوشخبری ہمیں اور آپ کو جو معراج کے واقعے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخی میں بڑا بہترین مقام عطا فرمایا ہے. اس کے بعد ایک خوشخبری ہمیں اور آپ کو اور ملتی ہے. دیکھیے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو اور غلطی نہ ہو. کہ ہے کوئی؟ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا اور مکار ہے, اور کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلط ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, بلکہ کہیں کافر نہ ہو جائے جو یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں فلاں بزرگ سے فلاں پیر سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام سے لگزشیں ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر مبرہ ذات ہے کوئی ہر قسم کی کوتاہی اور غلطیوں سے تو کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مسلم شریف میں تو یہ ہے کہ اے لوگوں, اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ختم کر کے ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے غلطی ہوگی اللہ اسے معاف کرے گا. تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اگر کوئی کہتا ہم سے غلطی نہیں ہوتی تو وہ انسان پاگل ہے, اسے طائف یا رانچی یا کسی پاگل خانے میں بھیج دینا چاہیے جہاں پر اس کا علاج ہو. وہ ہوش میں نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ہم سے غلطی یا فلاں بزرگ سے غلطی نہیں ہوتی. اس کا دماغ خراب ہے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مہربانی اور ہے. کیا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. جو انسان توبہ کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. واللہ اللہ تبارک و تعالی جتنا رحیم ہمارے اور آپ کے اوپر ہے, ہماری اور آپ کی ماں بھی اتنی رحیم ہمارے آپ پر نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالی جتنا نوازتا ہمیں اور آپ کو ہے غلطیوں کے باوجود, دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اور آپ کو برداشت نہیں کر سکتی. تو ایک خوشخبری ہمیں اور آپ کو جو معراج سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے رنگ اچھے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے رنگ بگڑے ہوئے تھے. بلکہ بخاری شریف میں حضرت سمرہ بن جندب کے جو لمبی روایت ہے جس کے اندر خواب میں آپ کو معراج کرائی گئی, اس میں بھی یہ چیز ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا آدھا حصہ تو صحیح سالم تھا اور آدھا حصہ بگڑا ہوا تھا. ان سے کہا گیا کہ جاؤ ایک دریا ہے, ایک نہر ہے, اس کے اندر غوطے لگاؤ. اور جب اس میں غوطے لگائے تو ان کا رنگ بالکل صاف ستھرا ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا, یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے برے عمل بھی ہو جایا کرتے تھے. لیکن شرط یہ ہے دوستو کہ برے عمل کے اوپر اصرار نہیں ہونا چاہیے. برا عمل دیدہ دلیری سے نہیں کرنا چاہیے, برے عمل کو ڈٹھائی نہیں دکھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کل امتی معافا الا المجاہرون, میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے, لیکن چوری کر کے سینہ زوری کرنے والے لوگ, گناہ کر کے لوگوں میں اعلان کرنے والے لوگ, گناہ کر کے لوگوں کے سامنے خوشی سے بیان کرنے والے لوگ, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو ان لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے جو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہیں. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے.
भूल चूक हर एक से होती है, गुनाह के काम में हर इंसान पड़ जाया करता है, लेकिन ईमान का तकाजा यह है कि हमारे और आपके दिल में यह जज्बा हो, अगर कोई गुनाह हो जा रहा है तो दिल उसके ऊपर कुढ़ रहा है, दिल उससे जल रहा है, दिल के अंदर एक बगोला उठा हुआ है, और जब वो बगोला आगे बढ़ करके भाप बन करके उठता है और आंख से आंसू के चंद कतरे वो भाप के निकल जाते हैं, तब तो समझिए कि हाँ आप अपने गुनाह के ऊपर शर्मिंदा हैं, वरना आप अपने गुनाह के ऊपर शर्मिंदा नहीं है। तो अर्ज करने का मकसद, दूसरी खुशखबरी हमें और आपको जो मिलती है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिन बंदों के गुनाहों को माफ कर देगा। तीसरी खुशखबरी यह मिलती है कि शैतान और जिन्न से बचाओ, अगर कोई इंसान मोमिन है और अज़कार का एहतमाम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे शैतान के शर से महफूज रहता है। आज हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसे शिकायत ना हो कि उसके घर में किसी के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर, किसी बच्चा ख्वाब में डर जाता है कि नहीं है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी के ऊपर शैतान का साया है। ये चीज़ें क्यों हैं यार? इसीलिए है कि सही अज़कार नबवी जो हैं उनका हमने और आपने एहतमाम नहीं किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक, जब आप मेराज की शब में जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शैतान दौड़ा और आग का शोला लेकर के आपके पीछे भागा आ रहा है। आप जैसे उसकी तरफ देखते हैं वो और दौड़ा चढ़ा आ रहा है। हज़रत जिब्रील सलाम ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें मैं कोई ऐसा जिक्र ना बताऊं कि उसे तुम पढ़ लो तो शैतान का ये शोला बुझ जाएगा, शैतान का ये शोला बुझ जाएगा। आपने फरमाया जरूर बताइए। हज़रत जिब्रील ने कहा कि पढ़ो, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामात अल्लती ला युजावज़ुहुन्न बर्रुन वला फाजिरुन मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाअ व मिन शर्रि मा यअरुजु फीहा व मिन शर्रि मा ज़रअ फिल अर्ध व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिन्हा व मिन फितनिल लैल वन नहार व मिन तवारिक़िल लैल इल्ला तारिकन यत्रुक़ु बिखैरिन या रहमान। इस दुआ को पढ़ लो तो वो शैतान का शोला बुझ जाएगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस जिक्र को पढ़ा तो शैतान वहीं पर अपने मुंह के बल गिर पड़ा और उसका शोला बुझ गया। तो मालूम यह हुआ कि इस अधकार को और इस किस्म के दूसरे अधकार जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको बताए हैं, हर माँ के लिए जरूरी है कि सुबह सुबह शाम को पढ़ करके मगरिब के बाद और फजर के बाद अपने नाबालिग बच्चों के ऊपर दम कर दिया करे। और अगर ये ऐसा कर लेती है, एहतमाम कर ले रही है, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला बच्चे के ऊपर ना तो जादू का असर होगा और ना तो उसे नजर लगेगी, ताबीद बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी, इलाज आपके पास मौजूद है, कुरान आपके पास है, दवा आपके पास है, लेकिन करने की जरूरत है, करने की जरूरत है। इसी तरीके से एक खुशखबरी हमें और आपको ये मिली है, और मैं समझता हूं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो उसे ना कर सके, और मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा, खुसूसन इसीलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि आज से कम इसका जरूर इल्तजाम कर लिया करें। इंशाअल्लाह तैयार हैं, मुश्किल नहीं है यार, बड़ा आसान काम है। वो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ में हज़रत अब्दुल मसूद की रवायत है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के सामने आपकी पेशी हुई, किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब हाजिरी हुई तो अल्लाह ताला ने तीन चीज़ें आपको दी थी, आपको तीन चीज़ें अदा फरमाई थी। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? मैं यहाँ पर होता तो आप लोगों को इम्तिहान लेता इस पर कि याद रखते हैं कि नहीं याद रखते। ये तीन चीज़ें दी गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पाँच वक्त की नमाज एक चीज़, लिख लीजिए, पाँच वक्त की नमाज और सूरे बकरा के आखिर की आयतें, सूरे बकरा के आखिर की दो आयतें। और तीसरी चीज क्या है कि इस उम्मत का जो भी इंसान इस हाल में उसकी वफात हो कि अल्लाह तबारक व ताला के साथ शिर्क नहीं कर रहा है तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। ये तीन चीजें आपको अता की गई थी, कौन? नमाज, दूसरी सूरे बकरा की आखिर की दो आयतें, और तीसरी चीज क्या है? इस उम्मत का कोई आदमी अगर शिर्क नहीं करता तो अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला की रवायत है कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ बंदे, तू मुझसे जितनी उम्मीदें रखेगा, अगर तू मेरे साथ शिर्क नहीं करता तो मैं तेरी उम्मीद को
पूरी करूंगा। हजरत जाबिर ने अब्दुल्ला की रवायत भी इस माना में है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत भी इस माना में है, हजरत अनस बिन मालिक की रवायत भी इस माना में है, और सहीहैन और मुतअद्दिद रवायतें हैं। मैं उस तफसीर तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जो कह रहा हूं यह कि सूरह बकरा की आखिर की दो आयतें और इसका यह एहतमाम है। आपने फरमाया कि मन क़रा आयतैन मिन आखिर सूरतिल बकरा फी लैलतिन कफताहु, जो इंसान रात में सूरह बकरा के आखिर की दो आयतें पढ़ लेगा वो उसके लिए काफी होंगी। किस चीज से काफी? इंशाअल्लाह शैतान के शर से भी काफी होंगी, और इंशाअल्लाह अगर वो मेहनत करने वाला है, थक जाता है, काम नहीं करता है और वो तहज्जुद के लिए नहीं उठ पाता, तो इंशाअल्लाह ये दोनों रकातें आयतें उसके लिए तहज्जुद का भी काम देंगी, क़ियामुल लैल का भी काम देंगी। तो ये दोनों आयतें बड़ी अहम हैं। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला का बयान है, तफसीर इब्ने कसीर में है कि आपने बयान फरमाया, मैं तो नहीं समझता कि किसी इंसान के दिल में ईमान हो और वो अकलमंद हो। अब मैं देखता हूं हमें कौन सा अकलमंद है। मैं तो नहीं समझता कि किसी इंसान को अक्ल हो और इन दोनों आयतों को पढ़ने से पहले सो जाएगा। इन दोनों आयतों को पढ़ने से पहले सो जाएगा। कितनी देर लगेगी पढ़ने में? एक मिनट भी नहीं लगेगी, एक मिनट भी नहीं लगेगी। और सोने से पहले इसे आप पढ़ लिया करें, इसी सूरत की सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी सोने से पहले पढ़ लिया करें, शैतान के शर से आप इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे, जैसा कि बुखारी शरीफ वगैरह में रवायत है। अच्छा, एक चीज और है जो हमें और आपको खुशखबरी मिली, वक्त ज्यादा होता जा रहा है। खुशखबरी एक ये मिली कि दीन पर साबित कदम रहना यह बड़ा अहम है। देखिए, एक दिन दो दिन नमाज पढ़ लेना यह कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मुस्तकिल उसके ऊपर जमे रहना यह बड़ा अहम काम है। मुस्तकिल उसके ऊपर जमे रहना बड़ा अहम काम है। एक दिन इस मजलिस के अंदर हाजिर होना यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ढूंढ ढूंढ करके इन मजलिसों को तलाशना और उसमें हाजिर होना यह बड़ा अहम काम है। क्यों? इसलिए कि यह वो मजलिस है जहां पर फरिश्ते अपना साया करते हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला के ऐसी मजलिसों को ढूंढा करते हैं। तो जज्बे में आकर के एक बार दो बार या कोई मौलवी साहब बाहर से और बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं तो उनकी जलसे में तो आ गए, और अगर अपने यहां के मौलवी साहब कहें रोजाना तो सुनते रहते हैं, उनको कौन जाए आज में होता है ना। तो मौलवी साहब के लिए ना आइए, मौलवी साहब के लिए ना आइए। किस लिए आइए? अल्लाह ताला के लिए। वल्लाह अगर सिर्फ एक फायदा हासिल होता है ऐसी मजलिसों के अंदर आने के लिए, सिर्फ एक फायदा, वो क्या कि जितनी देर तक इंसान इस मजलिस में बैठा रहेगा उतनी देर तक हर किस्म के गुनाह से महफूज रहेगा, और सिर्फ हर किस्म के गुनाह से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक तआला की रहमत के साए में रहेगा। और जब यहां से उठेगा तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? कूमू मगफूर लकुम, उठ जाओ, यहां से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है। ये मामूली सा फायदा है इस मस्जिद में हाजिरी का। तो बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं ये कह रहा था कि दीन के ऊपर साबित कदम रहना यह भी बड़ी अहम चीज है, और इस दीन पर चलने के लिए इंसान को तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सर्दी का मौसम है, सुबह फजर के लिए उठना है, तकलीफ तो होती है ना। और अगर अल्लाह ने गर्म पानी नहीं दिया है तो वजू करने से तकलीफ तो होती है ना, और खसूसन किसी भाई को गुस्ल की हाजत पड़ गई तो जाहिर बात और तकलीफ होती है कि नहीं होती। कितने भाई हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं? चलो जब दिन होगा सूरज निकलेगा तो पानी गर्म करके नमाज पढ़ लेंगे, है ना। यह दीन की कमजोरी है, फिसल गए वो, उनका कदम फिसल गया दीन पर से। आजकल रात छोटी होती है ना, 10 बजे 10:30 बजे दुकानें बंद करते हैं, दुकान बंद करने के बाद आए, खाना बनाए, खाए, एक दो तो बज ही जाते हैं। अब जाहिर है जब 3:30 बजे फज्र की अजान होती है तो 1.5 घंटे में उठा नहीं जाता, तकलीफ तो होती है ना, है कि नहीं है। बहुत से भाई लोग जो चारों वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन फज्र में हाजिर नहीं हो पाते। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन के ऊपर चलने के वजह से अल्लाह ताला आपको मुसीबतों में भी मुबतला करता है। सहाबे काम को कितनी मुसीबतें आई हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं बर्दाश्त कर सकते। अफहसिबतुम अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग यह समझते हैं कि वो कह दिए कि हम मुसलमान हो गए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा?
उन्हें मुसीबत में नहीं डाला जाएगा, जरूर डाला जाएगा, लेकिन इस मुसीबत पर, इस मुसीबत के ऊपर जम जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मेराज से हमें और आपको यह सबक मिलता है, वो कहां? मुसनद अहमद के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की शब जा रहे थे तो आपको एक जगह से खुशबू महसूस हुई, आपको एक जगह से खुशबू महसूस हुई। आपने हज़रत जिब्राइल से अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू क्या है? बड़ी बेहतरीन लगी खुशबू। जाहिर बात, आप जाने लगे किसी बाग से और किसी गांव के से, आपको खुशबू आए कोई, तो आप पूछेंगे अपने साथी से ये खुशबू कैसी है, जिब्राइल कौन सी खुशबू है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि ये फिरौन के लड़की की जो कंघी करने वाली औरत थी उसकी और उसके बच्चों की खुशबू है। उनका किस्सा क्या है? उनका किस्सा क्या है? उनका किस्सा यह है कि वो बच्ची, वो औरत जो फिरौन की लड़की को कंघी किया करती थी, फिरौन की लड़की को कंघी कर रही थी कि एक बार कंघी जमीन पर गिर गई, तो उसने क्या कहा? बिस्मिल्लाह। क्या कहा उसने? बिस्मिल्लाह। और कोई चीज हमारी और आपकी गिर जाए तो क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाह। ठोकर लग जाए तो क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। हम तो शीशे करके रह जाते हैं, हम तो शीशे करके रह जाते हैं, और शैतान और खुश होता है। बल्कि अगर बिस्मिल्लाह कह दिया जाए शैतान जलील होगा, सिकुड़ करके बिल्कुल एक मच्छर बन जाता है अगर इंसान ने बिस्मिल्लाह कह दिया तो, ठोकर लगी तो। तो फिरौन की लड़की ने कहा, कौन? अल्लाह, यानी मेरा बाप। तो उसने कहा, नहीं, मेरा रब, तेरा रब और तेरे बाप का रब अल्लाह तबारक व ताला है। बेटी ने यह शिकायत जाकर के उस वक्त के सबसे बड़े जालिम, सबसे बड़े तागूत, इस जमाने में किससे मुशाबहत देंगे आप लोग जानते हैं, सबसे बड़े तागूत के सामने कह दिया कि हां यह तो किसी और पर ईमान ले आती है, यह तो दुनिया में आपकी सियादत कबूल ही नहीं कर रही है। फिरौन बदबख्त ने बुलाया, कहा कि क्या मेरे अलावा तेरा और कोई रब है? कहा कि हां। हालांकि वह बदबख्त झूठा था, वो जानता था कि दुनिया का पैदा करने वाला कोई और है, दुनिया का निजाम चलाने वाला कोई और है, इबादत के लायक कोई और है, लेकिन जिद और हर धर्मी के ऊपर वो अड़ा हुआ था। तो उस औरत ने कहा, कहा कि मेरा रब और तेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। तकलीफ देने लगा, सजाएं देने लगा, मारने लगा और कहता है कि अपनी बात से फिर जाओ वरना तुम्हें आग में डाल दूंगा। चुनांचे वो औरत नहीं फिरी, अपने बच्चों को लेकर के दीन के ऊपर जमी रही। जरा देखें कि हम मर्द हैं, हम और आप देखें कि हम मर्द बनते हैं, लेकिन क्या ये तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं? हम तो इतने हैं कि नमाज के लिए अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकते, हम तो इतने हैं कि नमाज के लिए अपनी नौकरी को कुर्बान नहीं कर सकते, हम तो इतने हैं कि नमाज के लिए अपने वक्त को कुर्बान नहीं कर सकते, चे जाए कि अपनी जान को कुर्बान कर दें। हम कैसे मर्द हैं और वो कैसे औरत थी? शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्दों के ऊपर और कुर्बान जाइए ऐसी औरत के ऊपर। फिरौन ने एक बड़ी डेग को गर्म करने का हुक्म दिया, एक बड़ी डेग को गर्म करने का हुक्म दिया और कहा कि इसे और इसके बच्चों को उसमें डाल दो। जब उस डालने का वक्त हुआ, उसके चार बच्चे थे, तो उसने कहा कि मुझे जला तो दे रहे हो लेकिन एक मेरी ख्वाहिश है, उसे पूरी कर दो। कहा, बताओ क्या है? कहा, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डी को एक कपड़े में बांध करके एक ही कब्र में दफन करना, अलग अलग ना दफन करना। कहा कि ठीक है, तुम्हें हमारी खिदमत की है, यह तुम्हारी ख्वाहिश है, मैं इसे पूरा करूंगा, इस ख्वाहिश को मैं पूरी कर दूंगा। चुनांचे एक एक बच्चे को पकड़ करके उसमें डाला जाने लगा और मां के सामने वो देखते देखते वो बच्चे राख बन जा रहे हैं। जब आखिरी बच्चे का वक्त आया जो दूध पीता था, मां की मोहब्बत दौड़ पड़ी, मां की मोहब्बत ने मौज मारा और उसको डालने से झिझकने लगी। अल्लाह ताला बच्चे को गोजाई देता है और कहता है कि ऐ मां, कूद पड़ा मुझे लेकर के इसमें, इसलिए कि दुनिया आखिरत, दुनिया का अदाब आखिरत के अदाब के मुकाबले में बहुत हल्का है। ऐ दोस्तों, जिनसे कोताही होती है नमाज में, जिनसे कोताही होती है ज़कात देने में, जिनसे कोताही होती है नेकी के काम करने में, जो झूठे बोलते हैं और समझते हैं कि बगैर झूठ बोले मेरी तिजारत नहीं चलेगी, उन्हें मेरा यह पैगाम है कि आखिरत के अदाब के मुकाबले में दुनिया का अदाब बड़ा कम है। चुनांचे वो अपने बच्चे को लेकर के कूद गई
और इसी तरीके से जल करके राख हो गई। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुशबू महसूस हुई थी वो कौन सी खुशबू थी? इसी औरत और उसके बच्चों की खुशबू थी, खुशबू थी। मालूम यह हुआ दीन के ऊपर साबित कदम रहना बड़ा अहम चीज है। और हमें और आपको यह सबक मिल रहा है मेराज की शब से। और आखिर के अंदर मुबशरात में एक और चीज है जो हमें और आपको एक पैगाम है, हमें और आपको ये पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर जा रहे थे, हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, तो हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाया, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचा देना। कहिए सब लोग अलैहि सलाम, हमें और आपको सलाम है किसका? हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम का। अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुँचा देना और उनसे कह देना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी पाक है। जाहिर बात उतनी पाक मिट्टी कहीं होगी, जन्नत की मिट्टी बड़ी पाक है, उसका पानी बड़ा मीठा है और यह जमीन बड़ी जरखेज है और उसके अंदर रुपाई की जाने वाली क्या चीज है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये चीजें हैं जो जन्नत के अंदर रोपे जाते हैं, जो जन्नत के अंदर गाड़े जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो कहना अपनी उम्मत से कि इन चीजों का एहतमाम करें। अब सोचना है कि कितना हमने एहतमाम किया है। सुबह से शाम तक हमारे कितने भाई हैं, कितने बार सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द किया है और कितने दरख्त लगाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का विर्द करेगा तो हर कलमे के बदले उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा। यह खुशखबरी हमारे आपके लिए है कि नहीं है? यह मेराज से हमें और आपको खुशखबरी मिल रही है। और आज के बाद से देखना है और हर इंसान अपना मुहासबा करेगा कि कितने हमारे भाई हैं जो इस बातों के ऊपर अमल करते हैं। आइए, अब तो आपने खुशखबरी सुन ली है ना, जरा कुछ और सुनिए। कुछ हमें और आपको डराया और धमकाया भी गया है कुछ चीजों से। और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में ये उसूल है, जहां पर जन्नत की नेमतें बयान फरमाता है वहीं पर दोजख की सख्तियां भी बयान फरमाता है। जहां पर अहले ईमान का जिक्र करता है वहीं पर अहले कुफर की बदबख्तियों का भी बयान करता है। तो जहां आपने चंद मुबशरात सुन ली है कि एक बार सुबहान अल्लाह कहा जन्नत में एक दरख्त लग गया आपके लिए, है कि नहीं है? तो जरा देखें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इन जलों इन दरख्तों को झुलसा तो ना दे, कोई ऐसा अमल हमारा तो नहीं है जो इन दरख्तों को जला करके रख दे। यह भी तो हमें और आपको देखना है ना। इसलिए दरख्त लगा लेना काफी नहीं है, बल्कि दुश्मनों से, जानवरों से, धूप से, हर चीज से उसकी हिफाजत भी जरूरी है। कि सिर्फ लगा देना काफी है, लगा के चले गए मैदान में एक दरख्त, देखता हूं कितने दिन तक रहता है वो, है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जहां पर आप खेत बोते हैं वहीं पर उसके पानी का भी इहतमाम करते हैं, जानवरों से उसको बचाते भी हैं, है कि नहीं है? इसी तरीके से ये खुशखबरियां आप लोगों ने सुनी है तो इसकी हिफाजत कैसे की जाएगी भी तो देखना है ना। तो उम्मत को जो सबसे पहली तंबीह की गई है कि लोग अल्लाह तबारक व ताला का खौफ करें, अल्लाह ताला से डरें। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको अपने से मुतअद्दिद जगह डराया है। और वो मखलूक कौन है, वो आबिद कौन सा है, वो बंदा कौन सा है जो अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने राजिक से, बल्कि दुनिया के हर बड़ी बिगड़ी हुई को बना देने वाले से और हर बनी हुई को बिगाड़ देने वाले से डरे नहीं। दुनिया के अंदर हम अपने बाप से डरते हैं, हम अपने कफील से डरते हैं, हम अपने बड़े से डरते हैं, और अल्लाह ताला इस बात का ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मलाए आला के पास से मेरा गुजर हुआ हजरत जिब्राइल सलाम के पास, वहां पर हमने देखा कि वो अल्लाह के खौफ से सूखी हुई, टूटी हुई चटाई की तरीके से हो गए थे। अल्लाह के खौफ से, यानी वो फरिश्ता
जो तमाम फरिश्तों में सबसे आला फरिश्ता है, सबसे आदम और सबसे बेहतर फरिश्ता है, उसका हाल यह है कि अल्लाह तबारक व ताला के खौफ से वो सूख गया हुआ है, जिससे कोई गलती नहीं होती, कि होती कोई गलती, उनसे तो कोई गुनाह नहीं होते। और हम यह है कि सुबह शाम गुनाह का काम किया करते हैं और फिर भी अल्लाह तबारक व ताला से नहीं डरते। याद रख लें, एक पैगाम है अल्लाह तबारक व ताला का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों के ऊपर दो अमन को और दो खौफ को जमा नहीं करूंगा, दो अमन को और दो खौफ को जमा नहीं करूंगा। अगर इस दुनिया में मुझसे डरता रहा तो आखिरत में उसके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, और अगर इस दुनिया में मुझसे ना डरता रहा तो आखिरत में उसके ऊपर खौफ लाइक होगा, उसे खौफ लाइक होगा। तो फैसला कर लें हम और आप कि इस दुनिया में अल्लाह ताला से डरते हैं कि अल्लाह ताला से डरते नहीं हैं। अगर अल्लाह तबारक व ताला से डरें तो हमसे और आपसे नमाज नहीं छूटेगी, झूठ नहीं, जकात देंगे, जकात का देना हमसे और आपसे छूटेगा नहीं, रोजे की हिफाजत करेंगे, उसका एहतमाम करेंगे, बल्कि हर काम जो नेकी का होता है वो करने की कोशिश करेंगे और हर काम जो बुराई का होता है उससे दूर रहेंगे। दूसरी चीज यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो आपको जन्नत और जहन्नम का भी दीदार कराया गया, जन्नत और जहन्नम का भी दीदार कराया गया। आप फरमाते हैं कि जन्नत को हमने देखा, उसके एक एक फल तो बड़े मटके जैसे थे, और जहन्नम का जो दीदार कराया गया तो कहा जहन्नम इस तरीके से जल रही थी, उसके अंदर इतनी तेजी थी कि अगर उसके अंदर लोहा और पत्थर को डाला जाए फिर भी वो जल करके राख हो जाए, चाहे कि इंसान को डाला जाए, चाहे कि इंसान को डाला जाए। तो ये जन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेश की गई, उससे हमें और आपको डरने का पैगाम है, उससे बचने का एहतमाम करना है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आसमान के जिस फरिश्ते पर से मेरा गुजर हुआ और जिस नबी पर से मेरा गुदर हुआ, हर आदमी ने मुझे अहलन व सहलन लब्बैक कहा, मेरे सलाम का जवाब दिया और मेरे ऊपर मुस्कुरा दिया, मेरे साथ हंस करके उसने जवाब दिया है। लेकिन एक है जिसके ऊपर से मेरा गुदर हुआ, मुझे अहलन व सहलन तो कहा है, मेरे सलाम जवाब तो दिया है, लेकिन वो हंसा नहीं है। वो कौन आदमी है? हज़रत जिब्रील सलाम ने फरमाया कि वो जहन्नम का दारोगा है, वो जहन्नम का दरोगा है। जिस दिन से जहन्नम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है उस दिन से आज तक कभी भी हंसा नहीं है, तो हमें कैसे हंसी आती है? हालांकि मालूम है कि वो जन्नत जहन्नम में नहीं जाएगा, है कि नहीं है, जहन्नम के निगरान है वो, लेकिन हम और आप किस कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, लेकिन जहन्नम से कितने डरते हैं हम और आप, कितनी बार हमारी आंखों से जहन्नम के खौफ से, जब अकेले में हो, अकेले में नमाज पढ़ रहे हो, जहन्नम के खौफ से हमारी आंख से आंसू गिरे हो, कितनी बार हमने जब हम अकेले में हो, अकेले में रहते हो, जहन्नम का जिक्र आता हो तो उससे हम और आप कांप जाते हो। एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि ऐ जिब्राइल माली ला अरा मीकाईल दाहिकन कत्तु, क्या वजह है कि मीकाईल को हमने कभी भी हंसते नहीं देखा? जिब्रील सलाम ने फरमाया कि जिस दिन से अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा किया है उस दिन से मीकाईल कभी हंसा नहीं है, उस दिन से मीकाईल कभी हंसे नहीं है। मैं जहन्नम की तफसील की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता, अर्ज करने का मकसद यह है कि हमें और आपको जहन्नम का खौफ करना चाहिए। मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत है कि एक बार सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से कोई काम हुआ, अल्लाह के रसूल उस पर नाराज हो गए और आपने फरमाया कि ऐ लोगो, जो कुछ मैं जानता हूं अगर वो तुम जान जाओ तो लबकई तुम कसीरा वला दहिक तुम कलीला, तो तुम रोओगे ज्यादा और हंसोगे कम। और हम वल्ला हम में से हर आदमी चंद सेकंड के अंदर अपने गरीबान में मुंह डाल करके सोचे कि 24 घंटे में कितनी बार हम हंसते हैं और कितनी बार रोते हैं, सोचने की बात है, गौर करें हम कितनी बार रोते हैं हम अल्लाह ताला के खौफ से और जहन्नम के खौफ से, और कितनी बार हंसते हैं, कोई मुखारना है? एक और सौ का भी मुखारना नहीं होगा उसमें, बल्कि एक और हजार का नहीं, बल्कि एक और लाख का भी नहीं है। कौन से हम मोमिन हैं जो मेराज पर हमारा और आपका ईमान है, जहन्नम की आग पर हमारा और आपका ईमान है? वो जहन्नम की आग
वो जहन्नम की आग, जिसकी तेजी का यह हाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसमें लोहे और पत्थर भी डाले जाएं फिर वो अभी राख हो जाएंगे। इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज है वो आग, है कि नहीं है वो आग। और उसके अंदर जो सांप है, अगर एक बिच्छू और एक सांप निकलकर सिर्फ फूंक मार दे जमीन में, तो जमीन की कोई नेमत अपनी हालत और बाकी नहीं, बल्कि सारी की सारी नेमत बिल्कुल बदमदा होकर रह जाए। कितनी बार उसका खौफ करके हमने और आपने रोया। तो सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से आपने फरमाया, जो बात मैं जानता हूं अगर तुम जान जाओ तो तुम रो ज्यादा और हंसो कम। रावी कहते हैं कि सहाबे किराम के ये सुनना था कि अपना सर नीचे कर लिया और हर एक रोने लगा। इतनी सख्त घड़ी सहाबे किराम पर गोया कभी नहीं आई थी, इतनी सख्त घड़ी सहाबे किराम पर कभी भी नहीं आई थी। तो देखें इस दुनिया के अंदर जो आदमी एक कतरा भी अगर अल्लाह ताला के खौफ से और जहन्नम के खौफ से गिरा देगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। सही तरगीब व तरहीब में है कि अल्लाह के रसूल सल्लम की इरशाद है, दो आंखें ऐसी हैं कि उन्हें कभी भी जहन्नम की आग ना छुएगी। वो कौन सी दो आंखें हैं? एक वो आंख जो अल्लाह ताला के रास्ते में सरहद पर बैठ करके मुसलमानों की सरहद की हिफाजत करती है, और दूसरी आंख वो है जो अल्लाह के खौफ से रोती है, जो अल्लाह के खौफ से रोती है। इसी तरीके से और हमें और आपको जो सबक लेना है वो क्या है? नमाज का मामला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराई गई तो आपको दिखलाया गया कि एक ऐसा शख्स है जिसे के सर को पत्थर से कुचला जा रहा है, पत्थर से कुचला जा रहा है। और बुखारी शरीफ की एक रवायत में है कि एक आदमी चित लेटा हुआ है, चित लेटा हुआ है, उसके बगल में एक ढेर सारा पत्थर लिए खड़ा है, एक पत्थर उसके सर पे मारता है और उसका सर बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है, पत्थर दूर जाकर गिरता है, वो आदमी फिर जाकर के, वो शख्स फिर जाकर के उस पत्थर को लेकर के आता है, इतनी देर में उसका सर बिल्कुल बराबर हो गया है। और यही मामला उसके साथ जारी है। हज़रत जिब्रील ने क्या फरमाया, कौन सा आदमी है जो नमाज के वक्त सोता रहता है, जो नमाज के वक्त सोता रहता है? दोस्तों नमाज का मामला अर्ज करता चलूं बड़ा अहम है, बड़ा अहम है, इतना अहम नमाज का मामला है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उमर इब्न खत्ताब, जाबिर इब्न अब्दुल्ला और मुतअद्दिद सहाबे इकराम का यह फतवा है कि एक वक्त की नमाज को जान बूझ करके छोड़ देने वाला इंसान मजहब से खारिज है और काफिर है। इस मेराज के अंदर बेनमाजियों का हश्र ऐसा दिखाया गया है कि जहन्नम की बात तो अभी दूर की है, जहन्नम में जाने से पहले पहले आलमे बरज़ख के अंदर भी बेनमाजी को अजाब हो रहा है, सख्त अजाब हो रहा है, बेनमाजी को अजाब हो रहा है और सख्त अजाब हो रहा है। बहुत से उलमा जिसमें सऊदीया के दोनों बड़े आलिम शेख इब्न बाज, शेख इब्न उसैमीन, इनका भी फतवा है कि नमाज का तारीख क्या है? काफिर है, और काफिर के लिए क्या आदाब है? मैं बात को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता, जरा यह भी देखें काफिर के लिए क्या आदाब है। فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق। जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके लिए आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। قطعت لهم ثياب من نار, उनके लिए आग का कपड़ा बिल्कुल उनके जिस्म के ऊपर फिट होगा और पहनाया जाएगा। यूसब्बु मिन फौकि रुसिहिमुल हमीम, और उनके सरों के ऊपर गर्म पानी डाला जाएगा। यूसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, उस पानी से न सिर्फ उनका चमड़ा झुलस जाएगा बल्कि उनके पेट की चीजें बाहर निकल जाया करेंगी। लेकिन वहां मौत नहीं आएगी, वहां पर मौत आएगी नहीं आएगी, मौत को तो तबाह कर दिया जाएगा। जैसे ही जन्नती जहन्नम जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, दोनों के बीच में जैसा मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत है, एक मेढे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा और कहेगा अरे जन्नतियो इसको तुम पहचानते हो? कहेंगे हाँ ये मौत है। अरे जहन्नमी हो तुम इसको पहचानते हो? कहेंगे हाँ
मौत है, चुनांचे जन्नत और जहन्नम के बीच में उसे मेढे की शक्ल में दबा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा ऐ जन्नतियों हमेशा हमेशा रहो, अब तुम्हें इससे निकलना नहीं है, और ऐ जहन्नमियों हमेशा हमेशा इसमें रहो, अब तुम्हें इससे निकलना नहीं है। जरा सोचे वो भाई हमारे जिनसे फज्र की नमाज आमतौर पर छूटती रहती है, दूसरी नमाजों का जिक्र ही छोड़ दीजिए लेकिन फज्र की नमाज में आम तौर पर कोताही होती है, अगर इन उलमा का फतवा सही है कि एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला भी इंसान जानबूझकर छोड़ता है वो काफिर और मजहब से खारिज है, तो उनका क्या हश्र आखिरत में होने वाला है। युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, उस गर्म पानी से उनके चमड़े और उनके पेट की सारी चीजें निकल जाएंगी, और इसी पर बस नहीं होगा, वलहुम मकामिउ मिन हदीद, आग का शोला जब उन्हें ऊपर करेगा तो फरिश्ते लोहे के हथौड़े से उनको मारेंगे और फिर नीचे गिरा देंगे। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, जब भी उससे निकलना चाहेंगे तो उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा और क्या कहा जाएगा, ज़ूकू अज़ाब अल हरीक, जहन्नम के अज़ाब को चखते रहो। दोस्तों अजीजों और साथियों, ये पैगाम लेकर के यहां से उठें और दूसरों तक ही पहुंचा दें कि नमाज का मामला बड़ा अहम है। नमाज पर इतना कुछ आप लोगों ने सुन चुका है कि अब उससे ज्यादा कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इसरा और मेराज से जो हमें और आपको एक सबक और लेना है वो ये है कि अमानत के अंदर खयानत नहीं होनी चाहिए। अमानत जानते हैं ना, अमानत क्या चीज है, आपको कोई आदमी कुछ रखने के लिए दे और आप उसका बाद में इनकार कर दें, बड़ी अहम चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेराज में आप जब तशरीफ ले जा रहे थे तो आपको दिखाया गया कि एक शख्स लकड़ियों का गट्ठर उठा रहा, उसे उठा नहीं पा रहा है, लकड़ियों का गट्ठर उठा रहा, उसे उठा नहीं पा रहा है, और दूसरी लकड़ी ला करके उसके ऊपर रख रहा है। लकड़ी का गट्ठर जो उठा रहा है उसे उठा नहीं पा रहा है और दूसरी लकड़ी ला करके उस पर रख रहा है। आपने पूछा ऐ जिब्राइल ये कौन से लोग हैं, कहा ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जो उसके पास लोगों की अमानतें रहती हैं, उसे देने की ताकत नहीं रहती और फिर भी मजीद दूसरों की अमानतें अपने ऊपर लादे जाता है। और जानते हैं कि अमानत का मामला यह है कि अगर अमानत किसी के पास है और अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद भी हो जाए फिर भी उसकी माफी नहीं है, फिर भी उसकी माफी नहीं है। इसी के ऊपर कर्ज को भी कियास कर सकते हैं, कर्ज का मामला भी इसी पर कियास किया जा सकता है। बहुत से हमारे भाई हैं कर्ज लेते जाएंगे, सोचते होंगे चलो मर जाएंगे तो वहां कौन देने वाला है, जान छूटेगी मर जाएंगे तो, सोचते ही नहीं सोचते हैं, लेकिन दोस्तों जान छूटने वाली रही है, जान छूटने वाली नहीं है। किसी के ऊपर अगर एक दिरहम और एक दीनार भी कर्ज है, एक दिरहम और एक दीनार भी कर्ज है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस वक्त तक वो जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि उसकी नेकी से वो कर्ज अदा ना कर दिया जाए। और नसई शरीफ के अंदर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इब्न जहश बयान करते हैं कि एक बार जनाजे में हमारे साथ शरीक थे और आप वहां पर तशरीफ फरमा थे, अचानक आपने अपनी नजर को आसमान की तरफ उठाया। यह बात खसूसी तौर पर दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि कर्ज के मामले में बहुत लोग धोखे में हैं और बहुत लोग कोताह हैं और बड़ी कोताही से काम लेते हैं, कर्ज की अहमियत को समझते नहीं है। हालांकि सुन लीजिए, अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद होने वाला भी इंसान अगर उसके ऊपर किसी की अमानत और कर्ज है तो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक इसे अदा ना कर दे। लेकिन वहां बदला किस चीज का होगा, नेकियों और बुराइयों का होगा। मुस्लिम शरीफ में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है कि ए लोगो तुम जानते हो मुफलिस कौन है, तुम जानते हो मुफलिस कौन है। सहाबे इकराम ने कहा अल्लाह के रसूल मुफलिस हुआ जिसके पास ना दिरहम हो ना दीनार हो। आपने फरमाया वो मुफलिस नहीं है, मेरी उम्मत का मुफलिस तो वो है जो ढेर सारी नमाजें लेकर के आएगा, बहुत सारे रोजे लेकर के आएगा, नफली रोजे भी रखता था, जकात और सदकात भी लेकर के आएगा, लेकिन जब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा तो किसी को मारा है, किसी का माल खाया है, किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, हत्ता कि कितने हुकूक उसके ऊपर है। और जब लोग अपना हक लेने के लिए आएंगे तो अल्लाह ताला किसी को उसकी नमाज दे देगा, किसी को उसका रोजा दे देगा, किसी को उसकी हज दे देगा, किसी को उसके सदका और खैरात दे देगा। और जब लोगों के हुकूक भी उसके ऊपर बाकी रहेंगे और
उसकी ने पास नेकियां नहीं रहेंगी, तो लोगों के गुनाह ला करके इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो नमाज पढ़ लेना, बहुत रोजे सदका और खैरात कर देना। इसीलिए हमने कहा कि दरख्त लगाना है तो उसकी हिफाजत भी जरूरत है, नमाज पढ़नी जरूरी है लेकिन उसकी हिफाजत भी जरूरी है। तो आपके सामने हजरत मोहम्मद इब्ने जहश की रवायत जो नसाई शरीफ में आपके सामने रख रहा था, अल्लाह के रसूल से अपना सर ऊपर उठाया और उसके बाद अपने माथे के ऊपर हाथ फेरा आपने और कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अंजला मिन अत्तशदीद मा अंजला मिन अत्तशदीद। सुबहान अल्लाह, कितनी सख्ती नाजिल हुई आज, तो कितनी सख्ती नाजिल हुई। आपके कहने का अंदाज यह था कि सहाबे किराम घबरा गए और खामोश हो गए, मजलिस बर्खास्त हो गई, जनाजा दफन कर दिया गया, लेकिन किसी ने पूछा नहीं आपसे कि वजह क्या है। दूसरे दिन जब आपकी खिदमत में सहाबे किराम हाजिर हुए तो कहा आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बयान फरमाया कि बड़ी सख्ती नाजिल, आखिर वो सख्ती कौन है? तो आपने फरमाया कि कर्ज की सख्ती है, और आपने फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई इंसान अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद हो फिर जिंदा किया जाए, और उसके ऊपर किसी का कर्ज है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता है। अगर उसके ऊपर किसी का कर्ज है तो जन्नत में नहीं जा सकता। तो ऐ दोस्तों, ऐ साथियों, कर्ज हर शख्स लेता है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर्ज लिया है कि नहीं है, लेकिन अदा किया है, अदा किया है। तो कर्ज लें तो पहली यह नियत हो कि कर्ज को अदा करना है, और उतना ही लेने की कोशिश करें जितना अदा कर सकें। ये तो नहीं तनख्वाह तो आपकी 500 है और कर्ज आप 10,000 ले लें, है कि नहीं। और दूसरी चीज ये और बात नोट कर लें, इस सिलसिले में शायद ही कोई तवज्जो देता हो, अगर किसी के वालिद के ऊपर कर्ज है और उसका इंतकाल हो गया, किसी के भाई के ऊपर कर्ज है और उसका इंतकाल हो गया, तो उसके कर्ज की अदा करने की भी कोशिश करें। मैं उस तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता। देखिए, और हमें और आपको जो इबरत हासिल करनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब गुजर हुआ कुछ लोगों पर, मेराज की शब कुछ ऐसे लोगों पर गुजर हुआ जिनका पेट जो है बिल्कुल बड़े बड़े घरों की तरीके से था, और उसके अंदर पेट में कीड़े और सांप दौड़ रहे थे, पेट उनका बड़े बड़े घर की तरीके से था और उसमें सांप दौड़ रहे थे। और बुखारी शरीफ में हज़रत समूरा इब्ने जुंदुब की रवायत में है कि एक शख्स नहर के खून के नहर में तैर रहा था, खून के नहर में तैर रहा था, और किनारे एक शख्स ढेर सारा पत्थर लिए बैठा था। जब वो किनारे आना चाहता तो जोर से उसके मुंह के अंदर मारता था और फिर दूर चला जाया करता था। आपने पूछा ऐ जिब्राइल, ये कौन से लोग हैं? तो हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के सूद खाने वाले लोग हैं, वो लोग जो मेराज की शब मेला करते हैं, वो लोग जो जलसे करते हैं और मेराज की खबरें सुनते सुनाते हैं। कभी इस पर भी गौर किए कि हमारी उम्मत के कितने लोग सूदखोरी के अंदर मुलव्वस हैं? उनके पास भी कोई रिसाला भेजा, उनके पास भी कोई पैगाम भेजा, उनके पास भी जाकर कहे कम से कम आए लोगों रजब के महीने में सूद खाने से रुक जाओ? कभी दिया है पैगाम लोगों को? आखिर मेराज से हमें और आपको यह पैगाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि सूद खोरों को सिर्फ आखिरत में जहन्नम में नहीं बल्कि जहन्नम से पहले उन्हें यह अदाब होगा? बल्कि बाद रवायात में है और शेख सफीर रहमान ने रहीकुल मखतूम में भी इसे नकल किया है कि वो लोग कहेंगे ऐ अल्लाह तबारक व तआला क़यामत न कायम हो, ऐ अल्लाह तआला क़यामत न कायम हो, ऐ अल्लाह तआला क़यामत न कायम हो। क्यों? इसलिए कि वो समझते होंगे कि क़यामत के दिन जो अदाब होगा वो इस अदाब से और बहुत सख्त है, वो इस अदाब से और बहुत सख्त है। तो ऐ लोगों, जो बैंक बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट एनआरई अकाउंट जो खोल करके रखे हैं, जरा गौर करें इस हदीस के ऊपर, इस हदीस के ऊपर गौर करें। एक दिरहम का भी, एक रुपए और एक रियाल का भी सूद जो लोग खाते हैं,
वो 36 बार जिना करने से भी बुरा काम कर रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, उस नबी का फरमाना है जो सादिकुल मस्दूक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिरहम व रिबा याकुलहु रजुलुन अशद्दु इंदल्लाहि मिन 36 जिनिया। एक दिरहम कोई इंसान अगर खाता है तो अल्लाह ताला के नजदीक वो 36 बार जिना करने से बुरा है। किए जाए कि रख दो 1,00,000, 10 साल में 2,00,000 मिल जाएगा। करते हैं कि नहीं करते हमारे भाई? कभी सोचा इस पर कि पैखाना खा लेना आसान है लेकिन वो 1,00,000 का 2,00,000 खाना किसी भी सूरत में जाए आसान नहीं है, वो है कि नहीं? इसी तरीके से हमें और आपको इसरा और मेराज से जो सबक लेना चाहिए, एक सबक और है जो हम में से आम तौर पर लोग उसके अंदर मुलव्वस हैं, हम में से, और इसीलिए खसूसी तौर पर पिछली बातों को तफसील से ना रख करके इस तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं। आम तौर पर लोग मुलव्वस हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को इससे महफूज रखे। वो क्या है? गीबत और चुगली करना है। गीबत जानते हैं ना, बार बार सुना होगा लेकिन छोड़ते नहीं है। बड़ा लजीज होता है अपने मुर्दा भाई का गोश्त जो है, बड़ा अच्छा लगता है। मुर्दा भाई का गोश्त खाते बड़ा अच्छा, बड़ा लजीज होता है, बगैर उसके मजलिस के अंदर मजा ही नहीं आता बैठने में। जब तक कि फला की गीबत ना करें, फला की गीबत ना करें, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी गीबत ना करें, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी गीबत ना करें, पाकिस्तानी मसरी की गीबत ना करें, हिंदुस्तानी बांग्लादेशी गीबत ना करें, वर्कशॉप में करने काम करने वाले दुकानदारों की गीबत ना करें, दुकानदार में काम करने वाले उनकी गीबत ना करें, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सऊदी की गीबत ना करें, सऊदी पाकिस्तानी गीबत ना करें, मस्जिद में मज़ा ही नहीं मिलता। मजलिस के अंदर होता है कि नहीं होता है? लेकिन इसरा और मेराज से हमें और आपको सबक लेना चाहिए। सुनन अबू दाऊद के अंदर है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, ज़रा गौर से सुने और याद करके जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा उरजबी मररतु बिकौमिन लहुम अज़फारुम मिन नुहासिन, जब मुझे मेराज कराई गई तो कुछ ऐसे लोगों से मेरा गुजर हुआ, लोगों पर से मेरा गुजर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, जिनके नाखून तांबे के थे, और वो अपने चेहरे को और अपने सीनों को नोच रहे थे और खा रहे थे। जरा सोचें, दुनिया में बहुत आसान लगता है गीबत कर लेना। जानते हैं गीबत, अपने भाई की बुराई का जिक्र उसके पीठ पीछे करे, अपने भाई की कोई ऐसी बात बयान करे जिसे वो नापसंद करता हो। अगर ये कहा जाए कि फला को देखो पता नहीं कैसे कुर्ता पहन रखा है उसने, यह भी गीबत में दाखिल है। फला को देखो उसका बच्चा कैसे इधर उधर टहलता रहता, उसकी हिफाजत नहीं करता, निगरानी नहीं करता। फला की बीवी को देखो अपनी बीवी के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, यह सारी चीजें गीबत में दाखिल है, यह सारी चीजें गीबत में दाखिल है। यानी हर वो चीज जिसको सुन करके उसे आपके भाई को तकलीफ हो, अगर अपने भाई के पीठ पीछे वो चीज बयान कर रहे हैं तो वो क्या है? गीबत कहलाती है। जिसे कुरान मजीद में क्या कहा गया है, वला यगतब बअदुकुम बअदा, तुम में का बाद एक दूसरे की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से किसी को यह पसंद है, अन याकुल लहम अखीही मैता, क्या अपने भाई की, ये नहीं कहा दूसरे के भाई की, अपने भाई की का गोश्त खाए, और वो भी भाई जिंदा नहीं मुर्दा। मुर्दा तो बकरी भी हराम है कि जायज है? मुर्दा बकरी, मुर्दा तो गाय भी आराम है, मुर्दा तो ऊंट भी आराम है, कि जाए कि आपका भाई हो। फकरे तुम, तुम्हें उससे नफरत आएगी, तुझे उससे नफरत होगी। तो अर्ज करने का मकसद, गीबत का मामला दोस्तों बड़ा अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दिखाया गया इसीलिए ताकि आप हमसे बयान करें और हम और नबी सल्लम की उम्मत जो है इसे परहेज करें। और एक चीज खसूसी तौर पर हम जैसे मौलवियों के लिए वो पैगाम है, हमें भी उससे सबक लेना चाहिए। वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ ऐसे लोगों से जिनके जबड़ों को फाड़ा जा रहा था, और किससे? आग से जलाया जा रहा था, आग की छुरियां थी जिनसे उनके जबड़े को फाड़ा जा रहा था। हमने कहा, ए जिब्राइल, ये कौन से लोग हैं?
तो कहा गया ये आपकी उम्मत की खतीब और खुतबा लोग हैं जो लंबी लंबी तकरीरें तो करते थे और खुद उस पर अमल नहीं करते थे, दूसरों को नेक बातें बताते थे और अपने आप को भूल जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे, अपनी बीबी नमाज नहीं पढ़ती उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है और लोगों के सामने लंबी लंबी तकरीरें करते थे नमाज पढ़ने के लिए, अपनी बीवी सदका और खैरात नहीं करती उस पर कोई तवज्जो नहीं है और दूसरों को सदका और खैरात करने के लिए उभारा जा रहा है, तो अर्द करने का मकसद कि ऐसे लोगों को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कियामत वहां पर दिखाया गया। देखिए बात और है लेकिन वक्त जो मुझे दिया गया था वो खत्म हो गया, एक और चीज आपके सामने रख करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। देखिए काबिले तवज्जो बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर तशरीफ ले गए तो किससे मुलाकात हुई आपकी? आदम अलैहिस्सलाम से। तो बुखारी शरीफ के हज़रत अबू दर की रवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने कुछ लोग दाएँ थे, शख्स का है ढांचा है रूहें कह लीजिए कि दाएँ तरफ कुछ रूहें थी और बाएँ तरफ कुछ रूहें थी, बाईं तरफ कुछ रूहें थी, हमारे और आपकी तवज्जो और काम की चीज है। जब आप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दाईं तरफ देखते तो मुस्कुरा देते थे और जब बाईं तरफ देखते तो रो देते थे। पूछा गया क्या है ये? कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद हैं दाईं तरफ नेक लोगों की रूहें हैं, जन्नतियों की रूहें हैं और बाईं तरफ जहन्नमी और बुरे लोगों की रूहें हैं। जब दाईं तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं और मुस्कुरा देते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तकलीफ होती है और रो दिया करते हैं। जरा सोचें अगर वो रूहें उन लोगों की थी जो अभी पैदा नहीं हुए हैं थे, जैसा कि बहुत से उलमा का ख्याल है, तुम्हें हमारी और आपकी भी रूहें रही होंगी कि नहीं रही होंगी? तो सोचना है कि हमारी रूहें दाईं तरफ थी कि बाईं तरफ थी, हमारे बाप हमारे दादा हमारे भाई उनकी रूहें दाईं तरफ थी कि बाईं तरफ थी? तो पहला सबक तो यह है कि बाप को अपने बेटे की नेकी के बातों पर खुश होना चाहिए और उसे तरगीब देना चाहिए और उसकी बुराई पर तकलीफ होना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, यह नहीं कि बुरे काम उसको सिखाए जाएं, खुद भी फिल्में देखें और उसको भी फिल्में दिखाएं, बल्कि खुद नमाज पढ़ाएं उन्हें मस्जिद तरफ लेकर के जाएं। एक सबक तो यह है और दूसरा सबक यह है कि सोचें कि हमारी उसमें रूहें रही होगी तो पता नहीं हमारी और आपकी रूहें दाईं तरफ थी कि बाईं तरफ थी। कोई यकीनी तौर पर कह सकता है कि मैं जन्नती हूं? नहीं कह सकता है, तो सोचने की बात है। इसलिए हमें और आपको रोज आना अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला अगर आपने मुझे बदबख्तों में लिखा है तो उसे मिटा करके अल्लाह ताला मुझे नेक बख्तों में शुमार कर दें। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में शुमार कर जिन्हें तू जन्नत में दाखिल करना चाहता है। ऐ अल्लाह तआला मेरा शुमार उन लोगों में हो जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाई जानिब हो गए। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिखाई गई, उनमें कुछ वो लोग दिखाए गए जो यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाया करते थे। तो अर्ज़ करने का मकसद यह है कि ये आपके सामने बल्कि मुख्तसर तौर पर हमने इसरा और मेराज और उससे हमें और आपको क्या सबक लेना चाहिए आपके सामने रखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपसे पहले हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे सब मुसलमान भाइयों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन मुबश्शरात से हमें और आपको खुश हो और उस पर मजीद अमल करना चाहिए और जो बुरी बातें हैं उससे हम और आप बचें और उससे हमें और आपको नापसंद करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारा और आपका यहां पर इकट्ठा होना कबूल करे, यहां जमा होने की बरकत से अल्लाह ताला हमारे और आपके गुनाहों को माफ कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अब अगर किसी भाई के पास सवाल है तो कर सकते हैं। क्या फरमाते हैं भाई? ना तो यहाँ मुफ्ती साहब मौजूद हैं ना तो उलमाए दीन मौजूद हैं, मैं आलिम नहीं हूँ बिल्कुल। अल्लाह तबारक तआला को हाजिर नाजिर रखते हुए दिल की सच्चाई के साथ कह रहा हूँ भाई मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। अब जो आपने पूछा है इस बारे में अगर उलमा की कोई राय मेरे सामने है तो मैं बता दूंगा और नहीं तो माजरत कर दूंगा। बकर नमाज नहीं पढ़ता है, अहमद उसकी अदम मौजूदगी में बोल रहा था कि बकर नमाज नहीं पढ़ता है, क्या उसका मुआखदा होगा? देखिए इस बोलने की दो सूरत होगी,
इस बोलने की दो सूरत होगी। वो क्यों बोल रहा है, उसकी शिकायत के तौर पर बोल रहा है तो ये चीज जायज नहीं होगी, गीबत में दाखिल होगी। अलबत्ता इसलिए बोल रहा है, जिसके सामने बोल रहा है उसका उसके ऊपर कुछ असर है, वो उसे जाकर के समझा दे, वो उसे जाकर के समझाए, वो उसे जाकर के बतला दे, तब तो इसमें एक गीबत के अंदर शुमार नहीं होगा। ये ऐसी गीबत है जो गीबत की जायज शक्ल में है। अर्ज करने का मकसद, अगर कोई सही मकसद है उस बात के कहने का और जायज है तब तो वो जायज, वरना जायज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर फलां के पास गया इसलिए कि बकर फलां की लड़की से शादी करना चाहता है, और मालूम है कि फलां आदमी ऐसा है जो अपनी लड़की बेनमाजी को नहीं देता, तो उसके सामने बता देना है कि नहीं। लेकिन अगर कोई मकसद नहीं, सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालनी है, जैसे होता है ना कुछ लोगों को, तो यह चीज जायज नहीं होगी। सूद का रुपया किसे देना चाहिए? भाई देखिए, बसा औकात हिंदुस्तान पाकिस्तान के माहौल में इंसान मजबूर होता है सूद लेने पर। मैं यहाँ पर सूद से मुतालिक कोई तफसीली तकरीर नहीं कर रहा था, ये किसी दूसरी मजलिस का हिस्सा है और ये उलमा के लिए काबिल गौर बात है। लेकिन जहाँ तक सूद का मामला है, अगर मजबूर हो गया कोई आदमी लेने के ऊपर, तो इस सिलसिले में हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा कहते हैं उसे किसी ऐसी जगह खर्च करे जो मुहतरम जगह ना समझी जाती हो, और खर्च करते वक्त उसमें किसी भी किस्म के सवाब की नीयत ना रखे। उसका मुतअद्दिद मसरफ हो सकता है, मुसलमानों के खिलाफ जो ताकतें उठ रही हैं उनको तोड़ने के लिए भी उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे ख्याल से यह चीज़ हमारे शेख मुश्ताक साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इस पर उन्होंने कुछ लिखा उखा भी है। भाई जरा पढ़ने में कमजोर हूं मैं, इसको सही पढ़ नहीं पाया। मौलाना साहब देखें, आप पढ़ लेते हैं। रोड के खजूर के दरख्त की खजूर खा सकते हैं, ये आम लोगों के लिए मेरी मालूमात के तक आम लोगों के लिए लगाई गई हैं, है कि नहीं है? उस पर कोई रुकावट नहीं है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल बच्चों को छोड़कर जिहाद करना, जाहिर बात बगैर बाल बच्चों को छोड़े जिहाद कौन करेगा? बाल बच्चों को साथ थोड़ी ले जाएगा, लेकिन एक ही वहां उसके शरायत हैं, है कि नहीं है? वो किस सूरत में कब होगा, कब वाजिब होगा? कभी हर इंसान के ऊपर बाल बच्चों को तमाम को छोड़ करके जाना होगा, है कि नहीं है? कभी ये है कि उनका इंतजाम करना होगा, अगर कोई नहीं है और दूसरे लोग जो जिहाद पर गए हैं वो हमारे लिए काफी हैं, तो उसके लिए जायज होने की सूरत होगी। ये मुतअद्दिद उसकी सूरतें हैं जो इस मुख्तसर मजलिस में उसको नहीं बयान किया जा सकता। अलबत्ता यह है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, खत्म करें, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए मुसलमानों के ऊपर अचानक हमला हो और जिहाद करने वाले लोग काफी नहीं हैं, तो हर चीज को छोड़ करके निकलना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके बाल बच्चों पर आपसे ज्यादा मेहरबान और रहम करने वाला है। अलबत्ता एक हद तक इम्कान उनके खर्च का जितना कुछ हो सके दे करके जाना चाहिए। अगर मुअज्जिन अजान देकर फिर दोबारा जाकर लोगों को जगाए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाए और किसे कहे कि नमाज का टाइम हो गया है उठो, तो ये जायज है? हदीस से साबित है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसा औकात जा करके बुलाया करते थे, यानी इकामत के हो जाने का करते थे। अब अगर कोई ऐसी जगह है, खास तौर आजकल देखिए मसले को जरा एक वसी अंदाज में लेना चाहिए। हम लोग जज्बात में आ जाते हैं, हमारा मुसलमान जो है ना वो चूंकि खाता है गोश्त इसलिए बड़ी जल्दी जज्बात में आ जाया करता है कि नहीं है? मसले को एक वसी अंदाज में लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए, आजकल है अगर मस्जिद से थोड़ी दूर रहे, कमरा बंद रहता है, एसी चलते रहते हैं, बसा औकात मस्जिद के बगल में कमरा रहता है लेकिन लोग अजान
अगर ऐसी, तो अब ऐसे लोगों को अगर मुअज्जिन जा करके जगा दे रहा है कि नहीं है, अजान से नहीं जगे हैं, तो उसमें कोई कबाहत और कोई बुराई नहीं है, है कि नहीं। तो मसले को जरा से एक वसी अंदाज में रहना चाहिए, ये नहीं कि हाँ, और अगर हाँ भाई इसको समझ ले कि हाँ ये सुन्नत है, चाहे सुन रहा हो कोई नादान को उसको भी बताना सुन्नत है, ना भी सुन रहा हो उसको भी बताना सुन्नत है, जाहिर बात ये बात गलत है। जैसे कि एक बार मैं एक शहर में गया, ऐसे 2-3 साल पहले, तो रमज़ान का दिन था, अजान हो गई, मैं मस्जिद में चला गया, कुछ देर तक मुअज्जिन साहब मस्जिद में बैठे, तो उसके बाद कहते हैं भाई 10 मिनट जमात खड़ी होने में बाकी रह गया है, ऐलान करते हैं। उसके बाद कुछ देर की और बात, अच्छा हाँ भाई अब 5 मिनट जमात खड़ी होने में बाकी रह गया है, फिर हाँ भाई अच्छा अब जमात खड़ी होने वाली, जाहिर बात ये काम बिल्कुल गलत और बिदात है। अजान सुन लिया है लोगों ने, जग रहे हैं, तुम्हें बताने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोग सो रहे हैं, नहीं उठ पाए अजान से, या अलार्म नहीं लगाए हैं, या कुछ और है, तो उन्हें मुतनब्बे करने और जगाने में शरीयत तौर पर कोई कबाहत नहीं है। एक आदमी से नींद में नमाज छूट जाए तो उसका कितना गुनाह है? देखिए, छूट जाना और बात है, और छोड़ देना और बात है। छूट जाना और बात है, और छोड़ देना और बात है। इसको पढ़ें, मुझे नहीं पढ़ में आ जाएगी। एक आदमी से नमाज छूट जाए, उस पर अगर उसकी नीयत थी कि हाँ उठ करके नमाज पढ़ेगा, और उठने के लिए जो असबाब होते हैं उसे भी उसने इस्तेमाल कर लिया है, फिर नहीं उठ सका, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, जैसे उठे वैसे नमाज पढ़ ले, है कि नहीं। लेकिन अलार्म ना लगाए, पड़ोसियों से ना कहे हाँ भाई मुझे जगा देना, और फिर कहे भाई मैं सो गया निधि नहीं खुली, तो ऐसा आदमी मुजरिम है, पक्का मुजरिम है वो, है कि नहीं। ड्यूटी पर जाने के लिए अलार्म लगा देते हो, एयरपोर्ट पर जाना है, हाँ भाई जरा देखो मेरी नींद खुलती नहीं है, पड़ोसी से कहो जगाने के लिए, होता है कि नहीं होता है, तो नमाज के लिए क्यों नहीं कहते हो? अगर किसी मजबूरी से नींद लग गई और नहीं उठ सका, उस पर कोई हरज की बात नहीं है, कोई गुनाह उस पर नहीं है, जैसे नींद खुले तहारत और पाकी हासिल करके वो नमाज पढ़ ले। लेकिन शर्त है कि असबाब इस्तेमाल करे, है कि नहीं, पड़ोसी से कहे, अलार्म लगाए, साथी से कहे, और अगर कुछ नहीं कहता है, वो कहता है चलो, जब कुछ लोग तो कहते हैं अच्छा हुआ नींद आ गई ना, अभी जग गया होता तो कम से कम आधे घंटे तो जरूर जाते, है ना, नींद पूरी हो गई, तो ऐसे लोग तो मुजरिम है। मौलाना साहब, हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैलाया जाए, इस्लाम तबलीग की जाए, जिस किस्म के लोग हों उस किस्म के लोगों के सामने वैसी ही दावत का काम करने के लोगों को तैयार किया जाए, है कि नहीं, किताबों के जरिए, कैसेटों के जरिए, जुबान के जरिए, दावत तबलीग के जरिए, है कि नहीं है। अब ये तो एक बहुत लंबा काम है कि हम आपको ये बताएं कि हाँ किस तरीके से किया जाए। अब ये तो जो लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं जिसके कर्ज थी मर गया, हाँ आपने कर्ज लिया और जिसका कर्ज था वो मर गया, तो कर्ज कैसे दिया जाए, उसके अहलो अयाल तक पहुंचाएं। वो कर्ज जो है वो मर गया है लेकिन कर्ज उसका नहीं मरा है, वो मर गया है लेकिन कर्ज मरा नहीं है, वो एक एक पत्ताई और एक एक रत्ती का हिसाब करके वो पैसा उसके अहलो अयाल तक पहुंचा दें, मुमकिन सूरत जितनी हो, और अगर कोई सूरत मुमकिन नहीं बन रही है तो उसकी तरफ से सदका और खैरात कर दें। वो मर जरूर गया है लेकिन उसका कर्ज नहीं मरा है, उसका कर्ज आपको देना होगा, चुकाना होगा, वो उसकी मीरास है, मीरास में तकसीम होगा उसके अहले याल को, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, तो आपके ऊपर ये फर्ज और वाजिब है कि उसका कर्ज उसके उसका माल उसके अहले याल तक पहुंचा दें। माशे क्या है ये? साहब हमें आपकी तकरीर बहुत पसंद आई है, लिहाजा हमें तकरीर हर महीने में कम से कम 4 मरतबा होना चाहिए। हर महीने में 4 मरतबा, ठीक ठीक है। अब मैं रियाज़ुल खुबरा में रह जाता हूँ और मैंने 4 बार सुना दूंगा आप लोगों को। कैसे फैला? अच्छा,
ये नहीं कि कैसे फैलाए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में इस्लाम किस तरह फैला है, कौन लोग फैलाने वाले हैं। अच्छा 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 टाइम दें शेख, आपने तो मुझे यही वक्त दिया था ना, वरना कुछ बातें थी हमने उसको सुनने वाली हैं। चलिए जी 10-15 मिनट तक चलिए। भाई देखिए जी 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 इसी पर थोड़ा सा जो है कुछ 10-15 मिनट तक बताएं। नहीं मैं ज़रा एक चंद मिनट जो है शेख के लिए कहूँगा, सूद से मुतालिक जो है चंद बातें जो है शेख जो है। नहीं नहीं शेख वो जो है ना क्या सवाल था उससे मुतालिक आप ज़रा आ जाएं, फिर अगर बात है तो मैं उसको कह देता हूँ। नहीं पूरा हो गया समझिए, बस एक रह गया उसको मैं कर दूँगा, आप इधर आ जाएँ, उससे मुतालिक क्या है वो आप बतला दें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। किसी भाई ने सवाल किया है कि बैंक में या किसी के पास सूद का पैसा हो तो जाहिर बात है वो सूद रखने वाले पर या जिसने पैसा रखा है उसका तो हक नहीं बनता, लेकिन उस पैसे को अब कहाँ खर्च करें। जाहिर बात है अब न जानने की वजह से या और किसी चक्कर में फंस जाने की वजह से या और किसी वजह से वो सूद का पैसा उसके पास आ गया है, तो उसका मसरफ क्या होना चाहिए। देखिए इस सिलसिले में सूद का मामला बड़ा भारी है और बहुत संगीन भी है, शेख से तो उसकी तफसील आपने सुना ही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश या वो मुल्क जहां पर इस्लामी हुकूमत नहीं है और काफिरों के जेर तसल्लुत रहते हैं, जाहिर बात है वहाँ उनका अपना कोई मामला नहीं चलता, अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चलती, वो बसा औकात हुकूमत के दबाव में इसी तरह जो अक्सरियत होते हैं अक्सरियत के लोगों के दबाव में होते हैं, मुख्तलिफ तरह की परेशानियाँ और दुश्वारियाँ होती हैं। खुसूसन हमारे हिंदुस्तानी माहौल में जो शिवसेना और RSS और बजरंग दल और दूसरे लोग हैं वो चाहते हैं कि मुसलमानों को इक्तिसादी तौर पर बिल्कुल मफलूज कर दिया जाए, पीट पाट करके इनको इतना खस्ता हाल कर दें कि कभी वो सर न उठा सकें। तो ऐसी सूरत में अगर किसी मालदार शख्स के पास या जिन्होंने बैंक डिपॉजिट किया है, चाहे फिक्स डिपॉजिट की शक्ल में हो या ये हो, पहली बात तो ये है कि उसको आप अपना माल न समझें, उसको आप एक मिसाल से समझें कि सूद वाला पैसा, या आप समझ लें कि आपके बदन में या आपके कपड़े में या आपके कुर्ते में अगर पेशाब या पाखाना या गोबर या गंदगी लग जाए तो आप उसको क्या करेंगे। जाहिर बात है अपने बदन से अपने कपड़े से उस गंदगी को दूर कर देंगे, तो क्या आप इस गंदगी को दूर करने में ये समझेंगे कि अल्लाह ताला हमको नेकी देगा या सवाब देगा या अज्र देगा, नहीं। तो यही मिसाल सूद के पैसे की है, जो आपके अकाउंट में या आपके पैसे में जो सूद का पैसा शामिल हो गया है, कहिए आपके कुर्ते में वो गंदगी लग गई है, अब उस गंदगी को दूर करना है तो आप जैसे कुर्ते को साफ कर लेते हैं और गंदगी को दूर कर लेते हैं, तो वो सूद वाला जो पैसा है आप पूरा हिसाब जोड़ लें या बैंक वाले से आप पूरी तफसील ले लें कि शुरू से लेकर आज तक हमारे अकाउंट में कितना पैसा सूद का जोड़ा गया है, वो आप सारा सूद का हिसाब आप बैंक वाले से ले लें और लेने के बाद वो सूद का पैसा आप निकाल लें इकट्ठे, या जब आपकी मर्ज़ी हो वो पैसा आप उसको निकाल लें। पैसा निकाल लेने के बाद अब देखें कि मुआशरे में, जाहिर बात है कि अगर आपके बदन में गंदगी लगी है तो आप अपने बदन से छुड़ा करके दूसरे के बदन में तो नहीं डाल सकते, हाँ कि डाल सकते हैं नहीं। तो यही मिसाल ये भी समझ लें कि आपके पैसे में वो गंदगी लगी थी सूद की, तो अब वो सूद का पैसा आप निकाल के किसी अच्छे हमारे मौलाना साहब जैसे लोगों को दे दें, उनकी उनके कुर्ते को भी आप खराब कर दें, ये जायज़ नहीं है। इसलिए
उसकी सूरत यह है कि मुआशरे में, सोसाइटी में, गांव में, महल्ले में ऐसा आदमी जो इंतहाई मजबूर हो गया हो, मजबूरी की शक्ल भी आप समझे, मसलन एक आदमी अस्पताल में है और उसको फौरी पैसे की ज़रूरत है, उसकी जान का खतरा है, किडनी बदलना है, दिल हार्ट बदलना है या और कुछ करना है, इस किस्म के मामलात कि अगर फौरी उसको इमदाद न पहुंचाई जाए तो उसकी मौत को खतरा है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने जो आखिरी चाराए कार के तौर पर सूद खाने को, क्या बोलते, सुअर का गोश्त खाने को, मुर्दा खाने को भी हलाल किया हुआ है, कुरान मजीद का नस मौजूद है। तो ठीक इसी आप इसी दर्जे में उसको समझें कि कोई आदमी जिंदगी और हयात की कश्मकश में है और इस दर्जे में है, तो आप उस सूद के पैसे को उठा करके उस शख्स को दे दें, इंशाअल्लाह आपके बदन से गंदगी भी धुल जाएगी और एक भाई की मदद भी हो जाएगी जो हकीकत में हकदार था। ये सूद का मसरफ है, इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा मसरफ नहीं है कि आप जो है सूद का पैसा अपने बदन से गंदगी को दूर करके किसी दूसरे को डाल दें, आप जो है जो आपके यहाँ गंदगी है उस गंदगी को अपने बदन से उठा करके किसी दूसरे मुसलमान के सर पे डाल दें, यह जायज़ नहीं है। बहरहाल इस किस्म की सूरत हाल बन सकती है, मसलन गुजरात का हाल ले लीजिए, इस वक्त गुजरात वो लोग जो फसाद ज़दा हैं और फसाद की वजह से वो कौड़ी कौड़ी पाए पाए और अपनी जान और अपनी भूख को और प्यास को मिटाने के लाने पड़े हुए, आप ऐसे लोगों को भी दे सकते हैं उनकी जान बचाने के लिए, ये इनका ये सूद के पैसे का मशरफ है, इंशाअल्लाह इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ और समझ लें, जैसा कि हमारे शेख साहब ने बताया कि इसमें आप ना नेकी की उम्मीद रखें, ना आपको अज्र मिलेगा, ना सवाब मिलेगा और ना कुछ, सिर्फ ये है कि आपने अपने बदन से उस गंदगी को दूर कर दिया, बस यही इसका मशरफ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को सूद जैसी लानत से बचाए और इससे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। देखिए सूद से मुतालिक जो कुछ हमने बात कही है वो एक अमूमी चीज़ है, वो एक अमूमी चीज़ है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग बैंक में अपने पैसे न रखें, जैसे शेख ने कहा कि हम उनको में कुछ ज़रूरियात की बुनियाद पर मजबूर हैं ज़रूरत, लेकिन कुछ लोग जो इस नीयत से रखते हैं, ये देखिए इस नीयत पर मेरा हमला था, इस नीयत से रखते हैं कि चलो आज किसी भी तरीके से 1,00,000 रख दे रहे हैं तो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद मुझे इतना मिल जाएगा तो हम उससे अपना कोई कारोबार कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि असल नीयत आपकी सूद खाने की है और यह हो नीयत जो गलत है, यह वो नीयत है जो गलत है। अलबत्ता आपने रख दिया, अब बैंक का एक निज़ाम है, आप उस निज़ाम को बदल नहीं सकते, एक बैंक का निज़ाम है आप उस निज़ाम को तोड़ नहीं सकते, उस निज़ाम की बुनियाद पर आपको सूद वो बैंक दे रही है, वो बैंक आपको सूद दे रहा है, तो ऐसी शक्ल में आप उसको तो ले लें।